स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं व्याकरण कनिका की। अपनी आप सभी बुक लीजिए व्याकरण कनिका की और पार्ट एक खोलिए। आपका पार्ट एक है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ओके, सी। वासु अपना गृहकार्य कर रहा था। उसके पिताजी ने पूछा, बेटा गृहकार्य समाप्त कर लिया हो तो खाना खा लो। वासु ने कहा, बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ पिताजी। आपने देखा कि वासु के पिताजी उससे बोलकर कुछ कह रहे हैं जबकि वासु सुनकर उसका जवाब दे रहा है, ठीक। नेहा के पिताजी ने उसकी माँ से कहा, तुम्हारी बेटी नेहा का पत्र आया है, वह इस बारहवीं परीक्षा में प्रथम आई है, अब उसे स्कूल से छात्रवृत्ति भी मिलेगी। पत्र पढ़कर नेहा की माँ बहुत प्रसन्न हुई। आपने देखा कि नेहा ने पत्र लिखकर अपनी बात समझाई है तथा उसकी माँ ने, पिताजी ने पत्र पढ़कर उसकी बात समझ रहे हैं, ठीक। जब वासु ने बात सुनकर अपने पिता की बात का जवाब दिया, उसे कहते हैं मौखिक भाषा, क्योंकि वो आपस में बोलकर बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ इस नेहा वाली बात में, नेहा के पिताजी ने उस नेहा का पत्र पढ़ा जो वो लिखित रूप से लिखा हुआ था, तो इस पैराग्राफ में भाषा हुई लिखित भाषा, ठीक। इस प्रकार हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, यही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर और सुनकर दूसरों के भाव को समझते हैं और समझाते हैं, और लिखित भाषा में लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम लिखकर और पढ़कर दूसरों को अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसा आप चित्र में यहाँ से भी देख रहे हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि यह संसार के लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। भाषा को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हम भाषा बोलते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। ओके, व्याकरण। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। इन तीन अंगों के बिना व्याकरण नहीं हो सकती, जब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के लिए वर्ण, शब्द और वाक्य।